हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं दो सोलर पैनल यहाँ पे लिया हुआ हूँ, जिसमें से इन सोलर पैनल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ दोस्तों, और काफ़ी सारी जानकारी इसमें दे दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये बड़ा वाला सोलर पैनल दोस्तों, ये दोस्तों मुझे पड़ा है 100 रुपये का ऑनलाइन। आप चाहे तो परचेस कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप परचेस नहीं करना चाहोगे दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स मिल जाएगी, आखिर इस पे मोटर चलेगा या नहीं, बैटरी चार्ज होगा नहीं, आखिर चार्ज भी होगा बैटरी तो कौन सा बैटरी चार्ज होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों फटाफट से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो बताने से पहले प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और आप देख रहे हैं DK अनबॉक्सिंग एंड प्राइस चैनल की वीडियोज़, तो वीडियोज़ को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये जैसा कि हमारे पास स्मार्टफोन का बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी। तो दोस्तों काफ़ी बार आपने भी अगर किया होगा तो दोस्तों ये जो सोलर पैनल से लिथियम आयन बैटरीज़ को नहीं चार्ज कर पाती दोस्तों। उसका कारण ये है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इसमें लगभग 6 सेल लगे हुए हैं, 6 नहीं 12 सेल लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये सेल्स आपको धूप में रखने पे आपको वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, तो ये लगभग आपको 4 वोल्ट तक दे सकता है वोल्टेज, और ये जो है 6 वोल्ट का है दोस्तों, और ये 6 वोल्ट का है और 100 mAh का है दोस्तों। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ये 6 वोल्ट आउटपुट दे रहा है तो ये आखिर 3 वोल्ट बैटरी को क्यों नहीं चार्ज कर सकता। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज मायने नहीं रखता है दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए मतलब वोल्टेज तो मतलब रहना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ रहना चाहिए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं ये सोलर पैनल है आपका 100 mAh का, और ये बैटरी यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 3000 mAh का बैटरी है दोस्तों। तो भला कैसे चार्ज हो सकता है दोस्तों, आखिर चार्ज भी होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा बैटरी चार्ज होगा। तो आप सोचिए ये 100 mAh का है और ये 3000 mAh का है, मतलब 100 mAh का है और ये बैटरी जो है 3000 mAh का है। तो सोचिए कितना गुना ज़्यादा बैटरी का पावर है, तो भला कैसे चार्ज होगा। यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ इसमें 3000 mAh का बैटरी दिखा रहा है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि छोटी वाली बैटरी तो चार्ज हो सकती है, लेकिन नहीं दोस्तों वो भी चार्ज नहीं हो पाएगी दोस्तों, क्योंकि वो भी छोटी वाली बैटरी भी 800 mAh की आती है या 1000 mAh की आती है। तो दोस्तों इससे मैं बताता हूँ आपको कौन सा बैटरी चार्ज होगा। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों और इस सोलर पैनल पे दोस्तों आप DC मोटर को भी नहीं चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार मैंने भी चेक किया है इस चीज़ को कि दोस्तों इस सोलर पैनल पे हम मोटर DC मोटर को नहीं चला सकते, क्योंकि दोस्तों ये mAh एम्पियर बढ़िया से मतलब बढ़िया नहीं दे रहा है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन सा बैटरी आप इस पर चला सकते हो। तो दोस्तों आप इस पर आपको एक लीन एसिड बैटरी मिल जाएगी दोस्तों, आप डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा देख लीजिएगा दोस्तों। उस बैटरी को आप काफ़ी आसानी तरीके से इस सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ चुका होगा, हर चीज़ क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो आप दोस्तों इस सोलर पैनल को ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो दोस्तों, जबकि आपके पास बैटरी वो वाला होना चाहिए जब ही आप ख़रीदे, अन्यथा इसे नहीं ख़रीदे दोस्तों। लेकिन वैसे तो इस सोलर पैनल से आप 1 3 वोल्ट की LED जला सकते हैं, मतलब ग्लो कर सकते हो दोस्तों आराम से, क्योंकि मैंने जला के दिखाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई गई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का ख़त्म होता है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।